तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 5th के अंतर्गत पलायन वेग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है पलायन वेग किसे कहते हैं तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है पलायन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पलायन मतलब पार कर जाना। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाता है, उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी के चारों ओर जितनी दूरी तक की वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या आकर्षित करने का प्रयास करती है वह पूरा क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहाँ तक की दूरी तक की वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, अपने केंद्र की ओर खींच लेती है, उस पूरे क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं हम अनंत। इसका मतलब है कि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, यानी यदि कोई वस्तु यहाँ पर है तो पृथ्वी अब उसको अपनी ओर नहीं खींच सकती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर को बोलते हैं हम अनंत। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु को जो गुरुत्वीय क्षेत्र से पार करने के लिए, बाहर जाने के लिए जितने वेग की आवश्यकता हो उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, और पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करते समय उसका वेग इतना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। और यदि उसका वेग इससे कम है तो वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के हम डेफिनेशन। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, इसे ई का मतलब होता है स्कैप और बी का मतलब वेलोसिटी, स्कैप वेलोसिटी, इसे बीई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर रही है तभी वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, मतलब ये एक सेकंड में तय की गई दूरी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी दूरी है। तो ये तो हो जाती है पलायन वेग की डेफिनेशन। अब आता है पलायन वेग के लिए व्यंजक। ठीक, तो हम इसके लिए व्यंजक स्थापित करें। ये व्यंजक जे पृथ्वी है, ठीक है, जे पृथ्वी का केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, जे पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम। अब देखिए किसी वस्तु को हमें कहाँ से फेंकना है, पृथ्वी तल से, और कहाँ तक फेंकना है, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर तक। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ से किसी वस्तु को हमें फेंकना है और जे अनंत है सपोज कीजिएगा, तो यहाँ तक फेंकना है।
तो जी एक बहुत बड़ी दूरी है, बोर्ड पे देखने में बहुत छोटी दूरी शो हो रही है, ठीक है जी, एक बहुत बड़ी दूरी है जी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बहुत बड़ी दूरी है जी। दूरी पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, तो केंद्र से पृथ्वी तल तक की दूरी तो हो गई आर, और केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी हो जाएगी अनंत। तो हमें आर दूरी से अनंत दूरी तक वस्तु को फेंकना है, ठीक है। तो पहले हम कल्पना कर रहे हैं कि किसी वस्तु को हम इस बिंदु से, ए बिंदु से बी बिंदु तक फेंकें, ये हम काल्पनिक दृष्टि से सोच रहे हैं। हम कल्पना कर ले रहे हैं कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, ए बिंदु पर, और उस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल एम। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि वस्तु को ए से बी तक फेंकना है, तो ए से बी तक की जो दूरी है ये बहुत ही छोटी सी दूरी है, जिसको मैं अल्प दूरी मान रहा हूँ। तो अल्प दूरी मतलब dx, dx का मतलब है अल्प दूरी। तो पहले इस वस्तु को हम अल्प दूरी तक फेंकने में किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। इस वस्तु की जो ए पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है वो है एक्स, पृथ्वी के केंद्र से बिंदु ए तक की दूरी कितनी है, एक्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के ओ से ए तक की दूरी है एक्स, क्लियर। तो ये तो हमें चित्र बनाना है। अब इसमें हम लिखेंगे कि माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से पर बिंदु ए पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, ठीक है। जब ये वस्तु यहाँ पर रखी है तो पृथ्वी क्या कर रही होगी, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही होगी, ठीक है। जिस बल से खींचती है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर, उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसी बात को लिख रहा हूं, माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु बिंदु ए पर रखी है, रखी है या कल्पना की गई है, ठीक है। जिस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण बल के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पिंड क्या हो जाएंगे, एक पिंड तो पृथ्वी हो जाएगा और दूसरा पिंड वो वस्तु हो जाएगा, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी जे हो जाएगी एक्स। दूरी हमेशा केंद्रों से मापी जाती है, पिंड के केंद्रों से, ठीक है। तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर कैपिटल जी, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता था, पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आता था। वहां पर m1 m2 लिखते थे, m1 का मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 का मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, जो इन दोनों पिंडों के मध्य लग रहा है, ठीक। अब देखिए पृथ्वी तो क्या कर रही है, इस वस्तु पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ लगा रही है, अपनी ओर खींच रही है, इतने बल से पृथ्वी इस वस्तु को इतने बल से अपनी ओर खींच रही है, और हमें इस वस्तु को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में बल लगाकर ले जाना है। तो हमें इसको कहाँ से, ऊपर की तरफ फेंकना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बल लगाना है। तो पहले हम कल्पना करेंगे कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को ए से
बी तक ले जाने में या फेंकने में, ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब ए से बी तक ले जा रहे हैं तो दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी अल्प दूरी है dx, तो कार्य भी अल्प होगा। तो कार्य को w से लिखते हैं, अल्प कार्य है तो dw से लिख रहा हूं। तो कार्य बराबर बल, तो बल है विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है ए से बी तक dx। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। डी डब्ल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि अल्प कार्य है, क्योंकि अल्प दूरी तक विस्थापित करना। ठीक है, तो ए से बी तक ले जाने में तो किया गया कार्य कितना आ गया, इतना। लेकिन वास्तविकता में हमें वस्तु को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, यहाँ से ले जाना है पृथ्वी तल से और कहाँ तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर तक। तो यहाँ तक की दूरी तो कितनी है आर, और अनंत तक की दूरी कितनी हो जाएगी अनंत। तो इसको आर दूरी से अनंत दूरी तक फेंकना है हमें, आर से कहां तक, अनंत। तो आर से लेकर अनंत तक इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो कुल कार्य आ जाएगा यहां से यहां तक ले जाने में। ठीक है, तो देखिए आर दूरी से अनंत तक ले जाने में या फेंकने में, ले जाने में किया गया किया गया कार्य, तो इसका समाकलन कर देंगे, इसी का डी डब्ल्यू बराबर समाकलन एफ डी एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ले गए, आर से अनंत तक, तो इसकी लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, आर से अनंत तक। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यानी आर से अनंत तक फेंकने में किया गया कार्य। देखिए डी एक्स का समाकलन एक्स होता है तो डी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर आर से अनंत और एफ डी एक्स जैसे का जैसा। ठीक है, जे डी डब्ल्यू का समाकलन होगा डब्ल्यू और जे जैसे का जैसा। अब एफ का मान रख दो, जो हमने समीकरण एक में निकाला है, तो एफ का मान समीकरण एक से रखने पर, मैं एफ की वैल्यू पुट अप कर रहा हूं यहां पर, एफ का मान समीकरण एक से रखने पर, ठीक है, एफ का मान रख दें तो जी आ जाएगा डब्ल्यू बराबर लिमिट आर से इन्फाइनाइट और एफ की वैल्यू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर और जी डी एक्स जैसे का। ठीक है, एफ की यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी। अब देखिए जो नियतांक है उसको हम समाकलन से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या नियतांक है, देखिए जैसे जैसे वस्तु को हम पृथ्वी तल से अनंत तरफ ले जाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाएंगे, तो क्या क्या चीजें बदलेंगी और क्या नहीं बदलेगा। देखिए जब वस्तु पृथ्वी तल से यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर जाएगी तो कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जे तो नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, तो जी का मान नहीं बदलेगा। कैपिटल एम का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जी कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से फेंकेंगे तो उससे पृथ्वी के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कैपिटल एम भी नहीं बदलेगा। स्मॉल एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जिस वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा जितना है। एक्स क्या है, दूरी। तो देखिए जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी तल से दूर जाएगी, इसकी केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, तो एक्स का मान चेंज होगा। तो एक्स को छोड़कर बाकी सभी नियतांक हैं और नियतांक को हम समाकलन से बाहर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये तो आ गया बाहर। समाकलन लिमिट आर से इनफाइनाइट, क्या बचेगा, एक बटे एक्स स्क्वायर, एक्स जैसे का जैसा। ठीक है, एक्स से एक्स को काटना नहीं है, इस एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष एक बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन। ठीक है, तो एक्स एक्स आपको काटना नहीं है। देखिए ये एक बटे एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आर से इनफाइनाइट, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की घात माइनस के दो और जे डी एक्स जैसे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए एक समाकलन का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, सबसे पहला फॉर्मूला ही था समाकलन का, एक्स की घात एन डी एक्स, शायद आपको ध्यान आए, जो होता था
एक्स की घात एन डी एक्स, क्या आता था, घात में एक जुड़ जाता था और उतनी ही घात नीचे लिखती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, एक्स की घात एन डी एक्स, एन की जगह कितना माइनस टू, तो इससे इसको भी खोल देंगे हम, तो लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा डब्लू बराबर जे, तो जैसे का जैसा समाकलन, तो एक्स की घात एन प्लस वन, तो एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, और जे जैसे का जैसा, लिमिट को हम ब्रैकेट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से मैंने इसको समाकलन कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस टू प्लस वन, तो कितना बचेगा माइनस वन, तो डब्ल्यू बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जो हो जाएगा एक्स की घात माइनस वन बटे माइनस वन आर से। देखिए जो माइनस वन के कारण तो जो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको माइनस का कर दे रहा हूँ। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स की घात माइनस वन, एक्स की घात माइनस वन को नीचे ले आएंगे तो एक्स की घात प्लस वन हो जाएगा, तो जे हो जाएगा एक बटे एक्स। ठीक है, देखिए जे माइनस से जे माइनस हो गया, जे एक्स की घात माइनस वन है नीचे ले आएंगे तो एक्स की घात प्लस वन हो जाएगा। अब लिमिट लगा दें, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दे रहा हूँ, तो देखिए डब्ल्यू बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, पहले तो x की जगह अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है r। ठीक है, ये समाकलन मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। देखिए w बराबर ये जैसे का जैसा, ये भी जैसे का है, यहाँ लिख देना, चूँकि एक बटे इनफाइनाइट बराबर होता है जीरो, तो एक बटे इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा जीरो, और जे जैसे का जैसा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, माइनस एक बटे आर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो जी आ जाएगा डब्ल्यू बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर, क्योंकि जी माइनस का माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस वस्तु को पृथ्वी तल से गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर तक करने में कितना कार्य किया गया, इतना कार्य। अब इस कार्य के कारण ही इस वस्तु में, जो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल रही है, उसमें ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यानी कि जब इतना कार्य करेंगे तो उस कार्य के कारण इस वस्तु में क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, कितनी गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जितना अधिक उस पर कार्य किया जाएगा। तो यही कार्य किस में परिवर्तित हो गया है, वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अब इस वस्तु की हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, और जितनी गतिज ऊर्जा आएगी वो इस कार्य के बराबर होगी, क्योंकि उसको गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसी कार्य के कारण। ठीक है, तो देखिए चाहो तो इसको समीकरण नंबर दो दे देना, समीकरण नंबर दो। ठीक, यदि वस्तु का वेग भी ई मतलब स्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, यदि वस्तु का वेग भी ई हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं आप, क्या होता था, एक बटे दो द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, यही होता है ना, उस जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना माना है हमने m, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी आ जाएगी। ये गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई है उस वस्तु को, इस कार्य के कारण, तो ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, इस कार्य के बराबर। ठीक है, तो मैं दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ, वस्तु को फेंकने में किया गया कार्य, वस्तु को फेंकने में किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए किया गया कार्य बराबर वस्तु की
गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो किया गया कार्य अभी हमने निकाला था और गतिज ऊर्जा जी लिखी आपके सामने, तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जी एम स्मॉल एम बटे आर और बराबर गतिज ऊर्जा जी होगी। तो इसके बाद हम जी लिख देंगे, ठीक है, किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा। इसको हम सॉल्व कर लें, देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, हमें भी ई का मान निकालना है, पलायन वेग, टू का इधर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, टू जी एम बटे आर बराबर भी ई स्क्वायर। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में बदल दें और वर्गमूल भी ले लें तो क्या आ जाएगा, भी ई बराबर अंडर रूट टू जी एम बटे आर, ये समीकरण नंबर तीन हो जाएगा। ये भी एक पलायन वेग के लिए फॉर्मूला है, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, ठीक है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो स्मॉल जी बराबर, ये वैल्यू होती है जी एम बटे आर स्क्वायर, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, ये क्या होता था, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर इतना, मैं तिरछा गुणा कर दूं तो जी एम बराबर कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। जी जो जी एम की वैल्यू निकाली है इसको हम समीकरण तीन में रख दें, ठीक, जी एम का मान कहां पर रख दें, समीकरण तीन में जी एम का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है। जी एम का मतलब क्या है, जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एम का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। जी एम का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं समझना है आपको, तो जी जो जी एम की वैल्यू मैं समीकरण तीन में रख रहा हूँ, तो देखिए तीन में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, भी बराबर टू, जी एम की वैल्यू है कितनी, जी आर स्क्वायर और बटे में आर, जैसे का जैसे, देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, भी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर। तो यही हमारा पलायन वेग के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो इसको चाहो तो समीकरण नंबर चार मान लेना आप, नीचे लिख देंगे यही पलायन वेग के लिए व्यंजक है। एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है कि जो पलायन वेग आया है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें स्मॉल एम कहीं भी नहीं आया, तो इसका मतलब वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान हर वस्तु के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी ऑब्जेक्ट में आ जाती है कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कि सिद्ध करो पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करके कैसे लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए आप कि सिद्ध करो पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं देखिए पलायन वेग का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था ना, टू जी आर, या जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और आर का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, ये दोनों ही वैल्यू हम जानते हैं। जी का मान कितना होता है पृथ्वी तल पर, 10 या 9.8 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसको 9.8 ही लिख दे रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या, वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, कितनी होती है 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दिया है इसको एम के एस में बदलना है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो जो हो जाएगा 6400 और जो हो गया 1000 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 10^3 और 10^2 तो गुणा करेंगे 10^5 हो जाएगा, और दशमलव चिन्ह एक अंक इधर खिसका रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 10^6 बन जाएगा, तो 6.4 × 10^6 मीटर।
जो होगी पृथ्वी की त्रिज्या, जो मीटर में कन्वर्ट कर ली है मैंने। पलायन वेग का मान हमें ज्ञात करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला जो लिखा ही हमारे पास, भी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर, मान रख दें तो भी बराबर टू जी का मान 9.8, आर का मान 6.4 इंटू 10^6, ये पूरा अंडर हो गया। देखिए भी ई बराबर इनका गुणा करना है, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4, ये 10 की घात 6, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो ये बचेगा 10 की घात 3, ठीक है। इसका गुणा आप कर लेना, जो वेग है और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि एम के एस में कन्वर्ट कर लिया है तो आंसर भी एम के एस में आएगा, ठीक। अब देखिए इन तीनों का आप गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद वर्गमूल लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये लगभग 11.2 के आसपास ही आएगी, ठीक है। आप गुणा कर लेना और वर्गमूल ले लेना तो यह मान 11.2 के आसपास ही आएगा। मैं इसको सीधा लिख दे रहा हूँ, भी ई बराबर कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 10^3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1000 मीटर लिखा है और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 किलोमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, भी बराबर 11.2 इसकी जगह लिख दिया किलोमीटर और प्रति सेकेंड, तो जी बात सिद्ध हो गई। पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी लगभग समाप्त होता है।